भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित, कर्तव्य पथ पर आपका स्वागत है। कर्तव्य पथ में आज बात भारत के चक्रव्यूह और चारों खाने चित पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हालत आज दुनिया के सबसे बड़े भिखारी देश की हो गई है। पाकिस्तान आज हाथ में कटोरा लेकर इधर उधर भटक रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अब मदद मिलने में, भीख मिलने में भी मुश्किल हो रही है। पाकिस्तान के भाग्य में ये दिन आने वाला है, इसकी भविष्यवाणी भारत पहले ही कर चुका था। ये भारत का ही बिछाया चक्रव्यूह है, जिसमें फंसकर आज पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जिसके दरवाजे भी जा रहा है वहां से फिर आ गया मांगने की ही आवाज सुनाई दे रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें इस बात पर शर्म आ रही है कि कहां तो उनके दावे न्यूक्लियर पावर के थे और कहां अब दर दर उधारी के लिए भटकना पड़ रहा है और मुल्क कब तक कर्जे के भरोसे चलेगा। बात सही भी है, जो सरकार संकट के समय लोगों को दो वक्त की रोटी भी मुहैया ना करा सके वो काहे बात की सरकार। जो आटे के लिए लड़ते भिड़ते लोगों को बस मूक दर्शक बनकर देखे वो कैसी सरकार। बगल के घर में चूल्हा ना जले और हमारे घर में दावतें हों, ये भारत के संस्कार नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने सारा का सारा पैसा हिंदुस्तान की बर्बादी के सपने में ही स्वाहा कर डाला, और जब पानी बाढ़ बनकर उसका रहा सहा गुमान भी ले डूबा तो पाकिस्तान की हालत ये है कि आज पाकिस्तान में आटा 180 रुपए किलो बिक रहा है और सरकार शर्मिंदगी में है। जबकि जिस भारत से मुकाबले की होड़ में पाकिस्तान लगा रहता है, दुनिया ने देखा कि संकट के समय भारत का दमखम क्या था। पाकिस्तान में आटा 180 रुपए किलो है और लोग सड़कों पर, जबकि भारत ने कोरोना जैसे संकट के समय लोगों को घरों में सहेजे रखा और 80 करोड़ लोगों को, जी हां 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से अब तक निशुल्क राशन मुहैया हो रहा है। अब सोचने वाली बात ये है कि 21 करोड़ की आबादी वाला देश रोटी के लिए तरसते हुए भी बराबरी उस देश से कर रहा है जहां 80 करोड़ लोगों को सरकार निशुल्क राशन पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझती है, जबकि पाकिस्तान सरकार अपनी तमाम जिम्मेदारियों से आंख मूंद कर बस ये कह रही है कि उसे उधार मांगने में शर्म आ रही है। जब शर्म आ ही रही है तो कान खोल के कुछ और आंकड़े भी सुन लीजिए ताकि कोई डाउट ना रहे मन में। पूरे यूरोप की आबादी लगभग 45 करोड़ है और ये भारत का ही सामर्थ्य है कि वो लगभग पूरे यूरोप को 5 साल तक खाना खिलाने का मादा रखता है। ब्राजील की आबादी 21 करोड़ के आसपास है, यानी कोरोना काल में भारत ने जो किया वो पूरे ब्राजील को पूरे 10 साल तक मुफ्त अनाज देने के बराबर था। जापान की आबादी लगभग 12.5 करोड़ है, मान सकते हैं कि भारत ने 18-20 साल तक जापान को मुफ्त राशन जैसा काम किया है। जापान जैसे 6 देशों का पेट भारत 3 साल तक भर सकता है। अमेरिका को तो सुपर पावर कहते हैं ना, आबादी कितनी है 34 करोड़ के आसपास। सोचिए तो भारत की सामर्थ्य ये कि 3 साल तक अमेरिका जैसे 3 देशों का पेट भरने का काम किया है भारत ने। करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 3 साल से अपनी 80 करोड़ आबादी को निशुल्क राशन मुहैया कराया है। इतिहास गवाह है कि वैश्विक बीमारी अपने साथ भुखमरी लेकर आती है। स्पेनिश फ्लू के बाद लोगों ने भुखमरी का अंतहीन तांडव देखा, लेकिन ये भारत की दूरदर्शिता ही थी जिसने जान बचाने के साथ साथ भूख को प्राथमिकता दी। पूरी दुनिया अब महंगाई और भुखमरी की चपेट में है। रहीमदास का एक दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाएं, यानी उस मनुष्य का गौरव मर चुका है जो किसी से कुछ मांगने जाता है। और सोचिए 21 करोड़ की आबादी वाला देश पाकिस्तान कितनी बार मांग मांग कर अपने लोगों का सर नीचा कर चुका है। हालत ये कि पाकिस्तान में लोगों के अंदर गुस्सा है। जनता खुद कहने लगी है कि 2019 में भारत के प्रधानमंत्री ने सच ही कहा था। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। कटोरा थाम कर कश्मीर का ख्वाब,
कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हम श्राप कभी देते ही नहीं, सहिष्णु हमारी संस्कृति है। अपना बोया ही तुम काट रहे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी दुर्गति है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी दुर्गति है। धन्यवाद।